हेलो दोस्तों, ई डेरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह दूध में से क्रीम या मलाई को अलग किया जाता है। क्रीम सेपरेशन के प्रिंसिपल, मेथड्स और क्रीम सेपरेशन के पर्पस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्रीम दूध का फैट रिच कंपोनेंट होता है। जब हम दूध को बिना डिस्टर्ब किए अगर कुछ समय के लिए रख देते हैं तो दूध के सरफेस पर एक लेयर आ जाती है, जिसे मलाई या क्रीम कहा जाता है। इस क्रीम में फैट की मात्रा काफ़ी होती है। यह क्रीम ऊपर इसलिए आ जाती है क्योंकि क्रीम दूध के कंपैरिजन में थोड़ी हल्की होती है। अगर दूध को तेज़ गति से घुमाया या घोला जाए तो भी क्रीम ऊपर आ सकती है। इसका कारण सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होता है, जो कि घोलने या घुमाने से दूध पर लगता है, जिससे दूध में से क्रीम अलग हो जाती है। डेयरी इंडस्ट्री में दूध में से क्रीम निकालने की प्रोसेस को सेपरेशन ऑफ मिल्क कहा जाता है। सेपरेशन ऑफ मिल्क के मुख्य रूप से दो प्रिंसिपल्स होते हैं, बाय ग्रेविटी सेपरेशन, बाय सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। सबसे पहले बात करते हैं बाय ग्रेविटी सेपरेशन की। दोस्तों, दूध को फैट और एसएनएफ का मिक्सचर माना जाता है। मिल्क सेपरेशन के बाद फैट कंसनट्रेट होकर क्रीम बनाता है, जबकि एसएनएफ स्किम मिल्क में रह जाता है। स्किम मिल्क फैट रिड्यूस मिल्क होता है। अगर दूध को एक जगह रखा जाता है तो फैट हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है और स्किम मिल्क भारी होने के कारण नीचे की तरफ चला जाता है। 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फैट की डेंसिटी 0.93 होती है और स्किम मिल्क की डेंसिटी 1.035 होती है। इसी डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्रीम और स्किम मिल्क अलग हो जाते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन से क्रीम को अलग करने के 5 डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला है सैलो पैन मेथड। इस मेथड में दूध को एक सैलो पैन यानी ऊपर से खुली कढ़ाई में डाल दिया जाता है। इस पैन की गहराई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है और डायामीटर लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर होता है। दूध को 7 डिग्री सेल्सियस पर एक दिन रखने के बाद इस सेलो पैन की सरफेस पर क्रीम की लेयर आ जाती है, जिसे बाद में सेपरेट करके दूध से निकाल लिया जाता है। दूसरा मेथड है डीप पैन मेथड। इस मेथड में पैन की गहराई डायमीटर से ज़्यादा होती है। डीप पैन की गहराई लगभग 20 इंच होती है और डायमीटर लगभग 8 से 12 इंच का होता है। एक दिन के लिए 10 डिग्री सेल्सियस पर इसमें दूध को रखा जाता है। इस डीप पैन में एक फोसेट होती है यानी नल होता है, जिससे स्किम मिल्क को निकाल लिया जाता है और क्रीम डीप पैन के अंदर ही रह जाती है, जिसे बाद में निकाल लिया जाता है, और इस तरह क्रीम और स्किम मिल्क अलग कर दिए जाते हैं। तीसरा मेथड है वाटर डाइल्यूशन मेथड। इस मेथड में दूध में पानी डालकर उसे डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूशन होने के बाद दूध को 37.7 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ 12 घंटे के लिए रखा जाता है। डाइल्यूशन से मिल्क की विस्कोसिटी कम हो जाती है और क्रीम जल्दी से ऊपर की तरफ आ जाती है और फिर क्रीम को दूध में से निकाल लिया जाता है। फोर्थ मेथड है स्कैल्डिंग मेथड। इस मेथड में दूध को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जिससे मिल्क सरफेस पर क्रीम की लेयर बन जाती है, जिसे फिर अलग कर लिया जाता है। फिफ्थ मेथड है जर्सी क्रीमरी मेथड। इस मेथड में डबल जैकेटेड वेट को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हॉट वाटर फ्लो करता है, जिससे वेट में रखा दूध लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। फिर चिल्ड वाटर फ्लो किया जाता है, जिससे दूध जल्दी से 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। जल्दी से गर्म और फिर ठंडा करने से मिल्क फैट और सीरम यानी स्किम मिल्क की डेंसिटी का डिफरेंस बढ़ जाता है, जिससे क्रीम जल्दी बनती है। बाद में उसे दूध में से निकाल लिया जाता है। ग्रेविटी मेथड से क्रीम सेपरेट करना एक स्लो मेथड है, जो कमर्शियल और डेयरी प्लांट्स में यूज़ नहीं किया जाता। डेयरी प्लांट्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्रीम सेपरेशन किया जाता है। यह एक कमर्शियल और फास्ट मेथड है। यह लार्ज स्केल में यूज़ किया जाने वाला मेथड है। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की, बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डेयरी इंडस्ट्री में क्रीम
क्रीम सेपरेटर की सहायता से दूध में से क्रीम को निकाल लिया जाता है। क्रीम सेपरेटर में दूध डालने पर दूध पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिससे दूध में से क्रीम अलग हो जाती है। दोस्तों, क्रीम सेपरेटर के दो आउटलेट होती है, जिसमें ऊपर वाली आउटलेट से क्रीम आती है और नीचे वाली आउटलेट से इसकी मिल्क को अलग कर दिया जाता है। क्रीम सेपरेटर के वेरियस पार्ट्स और वर्किंग के बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, क्रीम सेपरेटर यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्रीम जल्दी व ज़्यादा निकलती है। इस मेथड में क्रीम की बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। ग्रेविटी मेथड से सिर्फ 10-25% फैट वाली क्रीम निकलती है, जबकि क्रीम सेपरेटर से 18-85% फैट वाली क्रीम भी निकाली जा सकती है। इन सब एडवांटेज का मुख्य कारण यह है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से लगभग 3,000-6,000 गुना ज़्यादा होता है। दोस्तों, अब देखते हैं क्रीम निकालने के पीछे का पर्पज क्या है। दोस्तों, पहला पर्पज है क्रीम फैट कंसंट्रेट कंपोनेंट है, जिसे फर्दर फैट रिच डेयरी प्रोडक्ट्स में भी डायरेक्ट यूज किया जाता है। दूसरा पर्पज है दूध की स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए भी क्रीम सेपरेशन जरूरी होता है। फैट रिड्यूस्ड और फैट फ्री मिल्क बनाने के लिए भी क्रीम को दूध से निकाल लिया जाता है। स्किम मिल्क पाउडर बनाने के लिए भी सबसे पहले क्रीम को निकाला जाता है, फिर उस मिल्क को पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और ई डेयरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों।